आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रीमियम थीम के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं। इसका आपको क्लॉक वुडेज आपको कुछ अलग सा देखने को मिलता है। उस क्लॉक वुडेज के साथ साथ आपको एक म्यूजिक वुडेज भी मिल जाता है जो क्लॉक के नीचे है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाया गया है दूसरे थीम के मामले में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर जो है बहुत ही ज़्यादा अलग देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे गूगल के जितने भी एप्लीकेशन है उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजेस कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे Xiaomi का जितना ऐप्स है वो MI कैलकुलेटर हो, क्लॉक हो, FM रेडियो रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्कैनर, डाउनलोड्स, कंपास और भी दूसरे जो एप्लीकेशन है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप्स की तो जिसमें से आपको टेलीग्राम, पबजी मोबाइल, काइन मास्टर, स्नैपट्यूब, दूसरा जो भी एप्लीकेशन है उसमें भी आपको ज़्यादातर चेंजेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे डायल पैड आप ओपन कीजिए। डायल पैड में आप देखिए आपको थोड़ा सा नया चेंजेस देखने को मिलता है। अगर आपका दो सिम यूज़ करते तो आपको एक रेड में देखने को मिलेगा, एक ब्लू में। बाय डिफॉल्ट इसका चेंजेस अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर मुझे चेंजेस मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे मेंशन कर दूंगा, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एनिमेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं, वो मैं आपको सेटिंग में भी दिखाऊंगा जब मैं सेटिंग ओपन करूंगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सेटअप कर दिया गया है। अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज़ इसे ऑन करते हैं तो ही यहाँ पर ब्लू में देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ आपको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर व्हाइट में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप ऊपर की ओर देख सकते हैं VoLTE का आइकन अलग सा देखने को मिल रहा है। नेटवर्क आइकन भी बहुत ही ज़्यादा अलग सा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बैटरी परसेंटेज और आइकन है बैटरी का, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाया गया है इस थीम में। बात कर लेते हैं यहाँ पे सेटिंग की। सबसे पहले मैं सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग सा सेटअप बनाया गया है जो आपके डिवाइस को एक अलग सा लुक देता है। जैसे कि अबाउट फोन का लोगो चेंज कर दिया गया है। उसके बाद सिस्टम, ऐप अपडेटर, सिक्योरिटी, सिम कार्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, VPN कनेक्शन एंड शेयर, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले, साउंड एंड वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, होम स्क्रीन, वॉलपेपर, थीम, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, बैटरी एंड परफॉर्मेंस, एप्स, एडिशनल सेटिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन में अगर एक्स्ट्रा फीचर है तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉट लाइन भी देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे बैक एमिनेशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक में आपको किस तरह सा एमिनेशन देखने को मिल जाता है। तो इस थीम में आपको ये सब चीज़ें मिल जाता है। बात कर लेते हैं डार्क मोड सपोर्टेड है या नहीं, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे डार्क मोड जैसे हमने एक्टिवेट किया तो ये थीम डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है। अब डार्क मोड करने के बाद देखिए थोड़ा सा वॉलपेपर जो और ज़्यादा डार्क हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग में भी आप देख सकते हैं, अब देखिए जो एमिनेशन है वो आपको किस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक में आपको एक एमिनेशन देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ एमिनेशन भी आपको इसमें मिल जाता है, तो जैसे हम सेटिंग को ओपन करते हैं उसके बाद अगर हम यहाँ पे बैक करते हो तो यहाँ पे सेटिंग का जो आइकन है उसे आप नोटिस कीजिए। सेटिंग का आइकन आपको एमिनेशन होते हुए देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये जो थीम है ये प्रीमियम है, यानी कि आप इसे जब भी डाउनलोड करेंगे तो आपको एक ऐड देखना होगा, तब जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको थीम स्टोर पे आना है। थीम स्टोर पे आने के बाद आपको लिखना है ब्रॉन इन तुर्की, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसका डेवलपर भी आप देख सकते हैं, डेवलपर को भी आप नोटिस कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि लॉक स्क्रीन में आपको कैसे देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको क्लॉक वुडेज मिल जाता है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक चार्जिंग एमिनेशन भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो चार्जिंग एमिनेशन आपको कुछ इस तरह सा देखने को मिल जाता है। तो यानी कि ये जो थीम है एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ये थीम पसंद है तो आपको सिंपली थीम स्टोर पर आना है और ब्रॉन इन तुर्की, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डेवलपर वगैरह, इसे आपको सिंपली थीम के सर्च बार में सर्च कर लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे से तरह के थीम रिलेटेड वीडियो के लिए या कोई भी टेक रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को भी सेलेक्ट कर दीजिए हमारे वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। थैंक यू।